प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। का रुको जरा, सबर करो। अच्छा दूसरा के देखिए रील। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। तो फिर खाए क्या है? आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है दोनों को। और देखिए चा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। नहीं, मैं बता नहीं खाए तो समझ नहीं आ रहा है। और देखिए चा, जो गौ माता है उसका उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसमिशन खा रहे हैं। भगवान, अरे कहना क्या चाहते हो? तू कहाँ भी रहा है? बेबी, कल ना हमको मेरा पहला सैलरी मिलेगा, उससे आयुष्मान लेंगे। तो अच्छा ना बात है कि तुम अपना कमाई से पहली बार कुछ ले रहे, तो जिंदगी भर तो तुम हम ही को लूटी है ना। लो बाबा लो। अच्छा वैसे कौन सा कंपनी का ले? क्या कौन सी कंपनी का ले? तुम एक काम करो, तुम ना पतंजलि के ले लो, पता बहुत अच्छा चलता है, स्मूथ काम करता है और तुमको रामदेव बाबा का फोटो भी मिल जाएगा। ओके। क्या ओके? ओके साला एप्पल का रहता नहीं पता आईफोन, बाप दादा कभी चलाया? अरे आईफोन लेगी साला, तुमको पता है तो कितना इतराता कितना है। तुम आना कभी हमसे पूछने, मुड़िया पकड़ के रेत देंगे, समझा ना तुमको, जानवर नहीं तो। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम इस झगड़े को खत्म करने का क्या लोगी? तुम बस वो तीन शब्द बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, झगड़ा यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। गलत। चलो आई लाइक यू, ये भी गलत जवाब है। अच्छा आई मिस यू। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो शब्द बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। गलती मेरी थी। हाँ ये यार, रात को मुझे सपना बड़ा अजीब सा आया। क्या? रात को ना तुम गुम हो गई थी और मैं तुम्हें ढूंढने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहले हॉस्पिटल गया, फिर मैं पोस्ट ऑफिस गया। रिपोर्ट लिखवाने हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस? रिपोर्ट लिखवाने तो पुलिस स्टेशन जाते हैं ना। अरे खुशी के मारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। यार दो दिन से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, क्या बना रखा है तुमने? आलू गोभी। यार लाइट भी कट गई और गैस भी खत्म है, अब नहाने के लिए पानी कैसे गर्म करूं? पानी में गरम मसाला डाल लो। अरे सुनो तो सुनो, अरे मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा दिमाग में रख लो, वो तो खाली है ना। बेबी इस बार हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी में कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जू चलेंगे। एक्साइटिंग। और अगली बार? अगली बार मैं तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा।